गए। जाको राके साइया मार सके ना कोई, इसकी प्राथमिकता तब हुई जब विशाल पेड़ गिरने के दौरान साइकिल सहित फंसे व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकला। घटना गांव बरेला की है। शाम के समय अचानक इमली के विशाल पेड़ सत मुख्य मार्ग में गिर गया, जिससे पड़ोस में रहने वाले लोग देखने वाले भी सिहर गए। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि वहां से गुजर रहे लोग उसे देखकर दहशत में आ गए। उसी दौरान बाइक व साइकिल सवार पार करते हुए बाल बाल बचे आनंद फानंद में जान बचाने के लिए युवक साइकिल छोड़कर भागे, जिससे साइकिल पेड़ में दबकर चिरकुट हो गया। गलीमत है कि किसी भी व्यक्ति को उस पेड़ से नहीं फंसे, परंतु घंटे आवागमन बाधित रहा। कुछ समय पश्चात जरहा गांव पुलिस घटना स्थल पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने घटना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पेड़ के पास से टैप नल का एक बड़ा पाइप गुजरा था तथा पाइप के लीकेज होने के कारण जड़ में के पास सदैव पानी बहता रहता था। हो सकता है पेड़ गिरने में यह भी कारण हो सकता है, तथा उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग की भी लापरवाही से जब वहां से तार गुजरा तो पेड़ की डंगाली को छोटे छोटे काट दिया जाता है। कुछ दिनों बाद बड़ा होकर तार को छूता है, जिसके कारण स्पार्किंग होकर चिंगारी फेंकता रहता है। यदि पेड़ में विद्युत प्रभावित हो जाए तो बड़ी घटना भी घट सकती है, परंतु ईश्वर ने बड़े दुर्घटना से बचाया है, जिससे पेड़ गिरने के बाद भी जनहानि नहीं हुई। भैया पेड़ कैसे गिरा यहाँ का? पेड़ क्या है कि यहाँ से पानी के लिए जो नल कनेक्शन जाया रहता है लगभग 8 इंच या 10 इंच का होगा, वो आज से एक हफ्ता पहले फूट गया है। वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जितना समय नल चालू करते हैं उसी के खातिर है। मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? उसका जड़ कमजोर हो गया उसी पानी के खातिर। वो जब नल चालू हुआ तो कम से कम 4 घंटा या 5 घंटा तक के वो चलता ही रहता है, उसमें जड़ कमजोर होने के खातिर। किसी प्रकार का दोषी आप किसी को ठहरा सकते हैं क्या? अब किसको ठहरा है बताइए ना। नल संबंधी ऐसा कुछ नल संबंधी या तो तखतपुर वाला जो वहाँ का जैसे पानी जा रहा है तो गंदा पानी जा रहा होगा, तो लापरवाही किसको माने? एक तो यहाँ का पंचायत है जो देख करके भी नहीं कर पाए इसका व्यवस्था, या तो तखतपुर का होना चाहिए, यही है और क्या। इस तरह से पेड़ गिरना कैसा होगा? पेड़ गिरने से पहले 11 kV के तार है, बहुत जोर से स्पार्क हुआ और किसी का जान मान का हानि नहीं हुआ। अगर पास में कोई लोग होते तो उस तार के चपेट में कई लोगों को मृत्यु हो जाता है। और जस्ट तार के स्पार्क होने के बाद ये पेड़ 10 मिनट बाद गिर गया। इसके नीचे एक स्कूटी वाला घटना से बाल बाल बचा। कौन सा झाड़ा है? इमली। अब कैसा लगता है गिरने? क्या हवा पानी इतना लग नहीं रहा है, कैसे गिरा होगा? नहीं, ये संभवतः जड़ कमजोर है या तो नल का जो पाइप है ये तखतपुर वाला, हो सकता है उसी के कारण हो सकता है ये। वहाँ पे नल लगा है, नल का पानी पाइप कनेक्शन गया है नीचे से, इसमें किसी प्रकार का हानि वगैरह नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसी वाला बाल बाल बचा। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? इस टाइप का पेड़ गिर जाना, पेड़ तो ऐसे देखने में स्वस्थ लग रहा है, क्या कहना चाहिए सर? पाइपलाइन कनेक्शन गया तखतपुर का, पीएचई तखतपुर नगर पंचायत का, तो इसी द्वारा किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है पेड़ को? नहीं, उसका शायद दुरुस्ती कराने किए होंगे नगर पंचायत का, दुरुस्त नहीं किया, इसी कारण ये इतना बड़ा घटना हुआ। किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इसकी जानकारी लाइनमैन विभाग को या दे दिए बरेला सरपंच के माध्यम से तखतपुर जेई को दे दिए।